तो दोस्तों इस टाइम मोस्टली जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उनका जो डेटा सेंटर्स हैं, जो सर्वर्स हैं, वो सारे क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो चाहे AWS का क्लाउड हो, चाहे Azure का क्लाउड हो, चाहे अलीबाबा का हो, गूगल क्लाउड हो, मतलब धीरे धीरे वो कंपनीज क्लाउड पे शिफ्ट हो रही हैं। आज मैं इसमें बात करूंगा कि AWS क्लाउड अगर आप सीखते हो, जो कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर आप वो सीखते हो, क्या उसके लिए लिनक्स आना ज़रूरी है? क्या आपको लिनक्स पढ़ना ज़रूरी है AWS क्लाउड के लिए? तो दोस्तों मैं बता दूं, जितने भी जैसे इसमें सर्विसेज होती हैं, तीन तरीके की, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंटरनेट एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये बेसिकली जो क्लाउड की टेक्नोलॉजी है वो इन पे काम करती है। अब मैटर करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो या किस प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहते हो। मैंने आपको दो तीन चार क्लाउड अभी बताए, और भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, आप किस पे बेसिकली जाना चाहते हो। अभी देखो क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे क्लाउड है ना, जो विंडोज़ का है, उस पे क्या है, आपको मोस्टली चीज़ें विंडोज़ पे मिल जाएंगी, विंडोज़ सर्वर पे मिल जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट अजूरे क्लाउड का। और वहीं अगर मैं बात करूं AWS अमेजन वेब सर्विस का, तो वो क्या है, वो चीज़ें काम करती हैं लिनक्स पे। मतलब मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि अगर आप AWS सीख रहे हो तो आपको लिनक्स भी सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग भी सीखनी पड़ेगी, लोकल सपोर्ट भी सीखना पड़ेगा, सर्वर भी सीखना पड़ेगा। ये तो सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लाउड में। मतलब कि आप कोई सा भी क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखोगे तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्किंग का भी, सर्वर का भी, और इसके बाद में क्लाउड का नॉलेज तो होना ही ज़रूरी है। अगर आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी नॉलेज है, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हो, तो आपका एक वो प्लस एडवांटेज ऐड करता है। मतलब एक चीज़ आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करता है, जो कि इंटरव्यू के टाइम पे ज़्यादा चांसेस आपको मिलते हैं वहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन अगर आप क्लाउड सीख रहे हो तो जी हाँ, आपको लिनक्स पढ़ना ही पड़ेगा, लिनक्स आना ही चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लाउड पे काम नहीं करते। जब भी काम करते हो ना, डेटा आप क्लाउड से एक्सेस करते हो, बट अल्टीमेटली आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे होते हो, वो चाहे मैक का सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स का सिस्टम हो। तो AWS अभी मोस्ट कंपैटिबल है लिनक्स के साथ में, और वो ज़्यादातर लिनक्स पे ही काम करता है, या कमांड बेस आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सारा कमांड बेस ही काम है, बट आपको लिनक्स आना चाहिए क्लाउड में मूव होने के लिए। बाकी स्कोप, सैलरी और फ्यूचर क्लाउड का बहुत अच्छा है। वो चाहे सैलरी की बात करें, वो भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी होने वाली है, और इसका स्कोप और फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करने वाला है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, करेंट अगर आप जॉब भी कर रहे हो या आप फ्रेशर हो तब भी आप जाना चाहते हो, तो थोड़ा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा एक अच्छा पैकेज पाने के लिए, एक अच्छा अपना फ्यूचर बनाने के लिए। बाकी स्कोप काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे, जो थोड़ा सा मैंने एक्चुअली इसमें बेसिक बताया क्लाउड के बारे में, कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। बाकी अगर इसमें जाओगे इसके अंदर, तो पर्टिकुलर एक सर्विस में भी बहुत सारी सर्विस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो उसके अंदर ही अगर आप पढ़ोगे ना, तो उतना ही नहीं पढ़ पाओगे पूरी लाइफ में। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टेक्नोलॉजी हैं उसके अंदर भी। तो होपफुली आप समझ गए होगे एग्जैक्टली कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको आनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।